नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक पूरे विश्व में। ब्रेस्ट फीडिंग पर बात करना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम जो डॉक्टर हैं ये हम सब जागरूक कर पाएँ पूरी जनसंख्या को कि क्यों माँ का जो दूध है वो किस तरह से बच्चे के लिए आवश्यक है, क्यों माँ का दूध इतना संपूर्ण आहार माना जाता है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। जन्म के पश्चात माँ का दूध बच्चे को सारी जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आज साइंस इतनी आगे पहुँच गई है, बहुत सी नई नई चीज़ें आ रही हैं, बट विज्ञान ऐसा दूध नहीं बना पाया जो कि माँ के दूध को मैच कर सके, जो उसे उसके मुकाबले में बेहतर हो। क्योंकि माँ का दूध एकदम संपूर्ण और एक सरल आहार है, पौष्टिक आहार है, जो कि बच्चे को जन्म के बाद माँ प्रदान करती है। माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, विटामिन्स, कुछ ऐसे मिनरल इस मात्रा में मौजूद होते हैं जो कि एक बैलेंस होता है, और ये इन सब की मात्रा संतुलित होती है जिसकी वजह से ये एक भरपूर आहार है। ये एक पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि माँ के दूध में पाया जाता है, जो कि बच्चे को शक्ति देता है लड़ने की, जो कि कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, बहुत सी बीमारियों को लड़ने की क्षमता देता है। दूसरा, माँ के दूध के ग्रहण करने से बच्चे को दस्त, एस्थमा, शुगर यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन और छाती के कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आगे जाके नहीं होती हैं, जिनसे उनको बचाव होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कुछ ऐसे फैटी एसिड हैं जो कि बच्चे के मानसिक संतुलन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध नहीं लेते उनमें जो उनका मानसिक विकास है, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो बाकी बच्चों के मुकाबले जो कि माँ का दूध ग्रहण करते हैं उनके मुकाबले कम है। तो इसीलिए माँ का दूध बच्चे के जो है मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी। ये तो हमने आपको कुछ ही एग्जांपल्स दी किस तरह से जो है माँ का दूध बच्चे की ग्रोथ में इफ़ेक्ट करता है। ऐसे कई अधिक उदाहरण हैं जो कि मैं आपको दे सकती हूँ जिसकी वजह से जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार माँ को भी फ़ायदे होते हैं अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। पहला, जो भी वेट गेन माँ ने प्रेगनेंसी में गेन किया होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, स्तनपान कराने से, वो वज़न आसानी से लॉस हो सकता है, तो ये एक फ़ायदा माँ को है। दूसरा, इससे जो है माँ की वो एक बॉन्डिंग बनती है, माँ और बच्चे के बीच एक कनेक्शन बनता है, वो एक दूसरे को समझते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है जो कि क्रिएट होता है और माँ को बच्चे को समझने में और बच्चे को माँ को समझने में मदद करता है। तीसरा, कहते हैं कि दूध पिलाने से माँ का जो बच्चा है उस पर निखार आता है, त्वचा इम्प्रूव करती है, वो सौंदर्य इम्प्रूव करता है, वो और सुंदर दिखती हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट माँ के लिए है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, स्तनपान कराने से माँ की जो छाती है उसमें दूध नहीं जमता, और उसके कारण जो छाती में एब्सेस बनती है वो वगैरह सब बीमारियाँ नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है ब्रेस्ट फीडिंग करें। जब भी बच्चा पैदा होता है उसके 1 घंटे के दौरान, चाहे वो सिजेरियन से पैदा हो या नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो, 1 घंटे के दौरान हमें ब्रेस्ट फीडिंग करना ज़रूरी है। आप अगर नर्सिंग होम में हैं या हॉस्पिटल में हैं, आप नर्स वहाँ पे आपकी मदद करेगी किस प्रकार बच्चे को होल्ड करना है, किस प्रकार, किस टेक्निक से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। अब कब तक हम ब्रेस्ट फीड करें, बच्चे को कब तक दूध पिलाएं? बच्चे की जो फीडिंग होती है वो डिमांड फीडिंग होती है, यानी कि जितने बच्चे को भूख है उतना दूध पिलाएं। अगर आप एक ब्रेस्ट से दूध पिलाते हैं और बच्चा रो रहा है अभी भी, तो उसी टाइम आप दूसरी ब्रेस्ट से भी दूध पिला सकते हैं। तो जब तक आपको लगता है कि बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ है आपको ब्रेस्ट फीड करना है। एवरेज में 2 से 2.5 घंटे का गैप रखा जाता है कि जिसके दौरान बच्चे को फीडिंग की जाती है। मतलब अगर आपने अभी 8 बजे फीडिंग की है तो 10 और 10:30 के बीच बच्चे को फिर से भूख लगेगी, तो आप उसको 2.5 घंटे या 2 घंटे के बाद फीड कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा फीडिंग जब करते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि पहले एक ब्रेस्ट से की जाए और नेक्स्ट टाइम जो है दूसरी ब्रेस्ट से,
तो ऑल्टरनेट हमें जो है ब्रेस्ट को यूज़ करना है बच्चे को फीड करने के लिए। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस बरतनी है जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। पहली बात तो माँ को बहुत ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, माँ को अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना है कि वो ऐसा वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। माँ को कभी भी अपने ऊपर संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है कि शायद वो दूध ना पिला पाएंगी, क्या होगा अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, क्या होगा अगर बच्चा फीड नहीं लेगा। ये छोटी छोटी जो बातें हैं माँ के अंदर शक पैदा करती हैं, इससे उसका आत्मविश्वास कम होता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट की केयर करना, अपना खुद का हाइजीन मेंटेन करना। माँ को रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं, और इनफैक्ट जब वो ब्रेस्ट फीड कराने लगे, स्तनपान कराने लगे, उससे पहले हाथ धोएं अच्छी तरह से, ब्रेस्ट को साफ करें और फिर बच्चे को स्तनपान कराएं। तीसरा, आपको ऑल्टरनेट ब्रेस्ट फीड करना है, पहले एक ब्रेस्ट से और फिर दूसरे ब्रेस्ट से। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि घर की जो सदस्य हैं, जैसे कि माँ है उनकी और सासू माँ है, या फिर उनकी ननंद है या उनकी बहन है, तो वो माँ का जो प्रोत्साहन है वो बढ़ाए रखें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो बच्चे को दूध अच्छे तरीके से पिलाएं और हिम्मत ना हारें। अगर दूध नहीं आ रहा तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी मदद से बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड करना कंटिन्यू रखें एटलीस्ट पहले 6 महीने तक, जिसमें कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाए। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करूँगी जो कि काफ़ी लोग घरों पर डिस्कस करते हैं कि ऐसा करें वैसा करें, ये दें बच्चे को पहले फिर बाद में ये दें, बाद में दूध पिलाएं। वो कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। पहली बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बच्चे को 1 घंटे के भीतर जब हम दूध स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ना कि शहद ना ही गुड़ का पानी या पानी दिया जाए, क्योंकि इससे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो कभी भी आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग अगर बोलें कि हाँ जी बच्चे को हमें ये चखाना है, हनी चखाना है, शहद चखाना है, तो उन्हें मना करें, उन्हें समझाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है जिसको हमें तोड़ना है। दूसरा, कुछ लोग बच्चे को पानी भी देते हैं अलग से, तो पानी बच्चे को देने की कोई ज़रूरत नहीं पहले 6 महीने, क्योंकि जो बच्चे माँ का दूध है उसमें 70% पानी है, तो वो पानी उसी के ज़रिए बच्चे को जाता है, दूध के ज़रिए, तो उसके अलावा बाहरी तौर से पानी देना आवश्यक नहीं है, तो बच्चे को पानी सेपरेटली ना दें। तीसरी जो आशंका लोगों के दिमाग में ये आती है कि अगर माँ को कोई शुगर की बीमारी है, कोई बीपी की बीमारी है, या उनको कोई थायराइड की बीमारी है, तो अगर माँ का दूध पिलाया जाएगा तो बच्चे को भी आगे जाके ये चीज़ें होंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है, जो बच्चे माँ का दूध है, वो बच्चे को किस तरह इन बीमारियों से बचाता है। तो कोई भी कनेक्शन नहीं है कि अगर माँ को कोई बीमारी है तो वो बच्चे में जाएगी। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो संकोच है लोगों के मन में इस वक्त, वो ये है कि क्योंकि कोविड की महामारी फैली हुई है, तो उस दौरान बच्चे को दूध पिलाया जाए या ना पिलाया जाए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण पौष्टिक आहार है। माँ का दूध और सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसे कोई भी फॉर्मूला फीड या गाय का दूध जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाया है। तो हमें इस महामारी के दौरान 2 विषय में बात करनी है। पहला, अगर माँ कोविड पॉजिटिव है, अगर माँ कोविड पॉजिटिव आती हैं और बच्चे का जन्म होता है, तो क्या वो ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी कोई इतनी स्टडीज़ नहीं आई हैं जो जिन्होंने ये बताया गया, जिसमें ये बताया गया हो कि माँ का दूध जो है जिससे कि इन्फेक्शन जो है बच्चे को ट्रांसमिट होती है, तो आप संतुष्ट होके बच्चे को माँ का फीड कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो है अपनी जो मुंह को ढकें, मास्क लगाएं और बच्चे को सांस के रास्ते होने वाली कोविड की बीमारी से बचाएं। तो आपने अपना, जैसे मैंने पहले भी बताया, हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, हाथ बार बार धोने हैं, ब्रेस्ट केयर करनी है, और साथ ही साथ मुंह को प्रॉपरली मास्क से ढकना है ताकि बच्चे को जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और दिमाग में लोगों के आती है कि अगर घर पे सपोज़ कोई कोविड-19 का मरीज़ है, कोई पॉजिटिव आता है, या सपोज़ नहीं भी आता है, तो क्या हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें या ना करें।
तो जैसे कि मैंने बोला कि माँ के दूध में ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि बच्चे को अंदरूनी शक्ति प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी। तो ये बच्चे के लिए एक माध्यम है जिससे कि बच्चा इम्यूनिटी प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई आप उनको गांठ बांध लें, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है, क्या इसके फ़ायदे माँ को हैं, क्या बच्चे को हैं, और साथ ही साथ कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हमें ब्रेस्ट फीड करना है, और COVID-19 से बच कर रहें और अपने बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कराते रहें। और याद रखें कि 6 महीने की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बहुत ही आवश्यक है, ना ही शहद ना ही पानी, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। धन्यवाद।